हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से पेंटिंग बनाने जा रही थी, आप लोगों को दिखाना है। तो मैंने ब्रश निकाल लिया है, जो मुझे ब्रश चाहिए यूज़ करने के लिए, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाले सारे कलर बनाऊंगी, सभी कलर से ऐसा वाला जो कलर होता है, तो मैं इसे बनाऊंगी थोड़ा सा। आज मैं वाटर कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, और टू पार्ट में वाइट कलर बनाऊंगी थोड़ा, एक तरफ वाला कोने का, एक तरफ वाला। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको साथ दिखाती होंगी, साथ में और जल्दी मैंने कोशिश करूँगी। पानी पहले कलर डिसाइड कर लेते हैं, लेते हैं मतलब थोड़ा पिंक नहीं, रेड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर सारा खोल लिया है डिसाइड करके, अभी मैं काम शुरू करती हूँ। और एक कलर मुझे चाहिए होगा लास्ट में, और वो कलर होगा ये वाइट। तो इसको इग्नोर करिएगा। फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने इसको कर लिया है यहाँ रेड और यहाँ व्हाइट लास्ट में दे दिया है। अब सेम प्रोसेस में इधर ब्लू में करूँगी, ब्लू टोन में, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये वाला कलर यूज़ किया है, ये वाला ब्लू, ये रॉयल ब्लू है, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू शायद ये है, और ये स्काई ब्लू है। और इन तीनों में मैं थोड़ा सा एक्रेलिक कलर का ये वाला जो कलर है ब्लू दिख रहा होगा, कोबाल्ट ब्लू, थोड़ा सा ये भी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ब्लू शायद मेरा थोड़ा सूख रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं इसको टोन के लिए यूज़ करूँगी। और मैं व्हाइट यूज़ करूँगी, ठीक है। और सेम प्रोसेस होगा इधर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर सारे खोल लिया है, और इधर ये मेरा कलर कम गया है, तो मैं शुरू करती हूँ रंग का। तो मैं लाइट कलर यूज़ करूँगी, व्हाइट कलर छोड़ दूँगी, मतलब किसी को पसंद वाइट लाके उसको लाइट कर लूँगी ऐसा। ये कोबाल्ट ब्लू मैंने निकाल लिया है, तो मैंने निकाल दिया फिलहाल यहाँ से। ये थोड़ा सा कलर आ रहा है, थोड़ा सा सूख भी रहा है, तो थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू यूज़ भी करेंगे। यूज करेंगे वो हमारी डार्क वाला रहेगा, पहले हम इसे डार्क वाला यूज करेंगे, और अब हम फिर से लाइट वाले कलर से उसको थोड़ा मर्जिंग करेंगे ऐसा, ठीक है। और ये हम क्वालिटी यूज करते हैं, लाइट ब्लू लाइट करके उसको, तो हम लोग व्हाइट यूज करते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्लू ऑलरेडी डार्क नहीं है। मैंने टेक लगाया है पहले, और अब हम लोग व्हाइट का यूज करेंगे थोड़ा, मैं फिनिशिंग करके बताती हूं। फ्रेंड्स, ये दोनों टोन वाला बन गया है, अब हम लोग इस पर बनाएंगे आगे का काम, पर थोड़ा सूखने देते हैं। तो अब हम लोग पूरा काम ब्लैक से करेंगे, जैसे ट्री बनाना या जो भी हम लोग और कुछ बनाएंगे इस पे, तो अब हम लोग ब्लैक से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये सारे कलर को अब हम लोग बंद करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सूख गया है कलर, तो हम लोग ब्लैक से भी यूज़ कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग ये सारे ब्रश भी अभी यूज़ करेंगे थोड़ा। तो जैसे पहले मैं ब्लैक कलर लेके ऐसा बना रही हूँ, आपको जो भी बनाना हो, जो थीम आपने सोचा हो, तो आप वो बना सकते हैं, जो भी पेंटिंग आपके दिमाग में आती हो। तो जो मेरे दिमाग में आया, मैंने वही ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। इधर कुछ भी ऐसा नहीं रखा है, जहाँ से मैं देख के बना रही हूँ वो भी एक नॉर्मल कॉपी ही है। तो फिलहाल मैं अपने हिसाब से जो भी दिमाग में आता है मैं वो बना रही हूँ।
अब हम लोग कुछ पतला ब्रश यूज़ करते हैं, जैसे ये वाला मैं कर रही हूँ। मैंने इतना कर लिया है, अब मैं इसका पूरा जो थोड़ा बहुत पेड़ है वो बना के दिखाती हूँ आपको, और उसके बाद मैं जो थोड़ा कुछ कुछ इसमें ऐड करूँगी वो भी आपको कंप्लीट करके उसके बाद टेप निकाल के तब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कंप्लीट हो गया और मैंने टेप निकाल दिया है। थोड़ा टेप निकालने में आपको दिख रहा होगा कि पेपर थोड़ा कैसा हो जाता है, तो ठीक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बट पेंटिंग नहीं फटना चाहिए, थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इस पेंटिंग में एक लड़की बनाया जो स्कूल बैग जैसा कुछ ली हुई है और बर्ड उड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये, और ट्रीज़ वगैरह, और इसमें मैंने एक लैम्प जैसा बनाया है और ये लड़की बर्ड उड़ा दे रही है हाथ से और ऐसा कुछ करके है थोड़ा, तो आपको दिख रहा होगा सामने से दोनों पेंटिंग। अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स ये दोनों पेंटिंग आपको अच्छे लगे मेरा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन भी लगाई दबा दीजिएगा, प्रेस करिएगा। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।